हेलो फ्रेंड्स, टेक एज यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फेसबुक से आप लॉगिन होते हैं तो आपको इस तरह से आपको प्रॉब्लम आता है, जिसे देख सकते हैं। कंफर्म योर आइडेंटिटी, आपको यहां से गेट स्टार्ट पर जब क्लिक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, आपको जैसे इस तरह से आपको शो करता है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके पर से आप जब ओपन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक डाटा का काम करता है, लेकिन ओपन नहीं हो पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको लाइव दिखाएंगे और आसान तरीके में आपको कैसे सही करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाएंगे। तो जैसे ओपन करने के बाद यही प्रॉब्लम आ रहा है, गेट स्टार्ट पर जब क्लिक करें तो यही स्टार्ट करने के बाद अलग तरीके से आ जा रहा है। जो मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आपको सबसे आसान और सबसे सरल तरीके में आपको लाइव दिखाऊँगा। जो इस वीडियो को फ्रेंड पूरा वॉच करने के बाद आप अपने फेसबुक में जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड आपको इस एप्लीकेशन को बंद करना है। इसके पर से आप इस एप्लीकेशन को, जैसे फेसबुक एप्लीकेशन होता है, इसको आप बंद कर देंगे। इसके पर से अपने क्रोम ब्राउज़र में आएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ से आपको गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद फेसबुक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं आपको ये जो होता है facebook.com पर आ जाएंगे। facebook.com पर आने के बाद यहाँ से अपना नंबर डालेंगे, उसके पर से पासवर्ड डालेंगे। फ्रेंड आपका पासवर्ड सही रहता है, नंबर भी सही रहता है, लेकिन आप उसमें अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से आसानी से लॉगिन हो जाएंगे और आपका जो होता है दिक्कत आता है आइडेंटिटी का, उसको आपको सही कर सकते हैं। यहीं से आपको उस एप्लीकेशन से नहीं सर सही कर पाएंगे, जो कुछ लोग होते हैं कि सीधे आप फेसबुक टीम से बात कंप्लेन करने के लिए करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। फ्रेंड इसको आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको 100% वर्क करेगा। तो यहाँ से आप अपना नंबर डालेंगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपको QR कोड आएगा, तो आप दूसरे डिवाइस में क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आसानी से स्कैन कर लेगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम जैसे इसी डिवाइस में ओपन करने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको एरर दे देगा। एरर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरर देगा तो आपको यहाँ से बैक होना है। जैसे आपको इस डिवाइस में ओपन कर रहे हैं तो ये जो तरीका है ये तरीका वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। फ्रेंड बैक होने के बाद देख सकते हैं इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन से बैक हो रहे हैं। बैक होने के बाद यहाँ से आपको फिर से आपको सेम आ जाना अपने इस स्टाफ में। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से तीन ऑप्शन देता है, तो आपको SMS वाले पर क्लिक करेंगे तो SMS वाले पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे नंबर पर आपका नंबर शो कर देगा। तो फ्रेंड इसमें अपना नंबर भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारा नंबर जो है सेम वही, हम उस नंबर पर मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे नंबर पर OTP आएगी। तो फ्रेंड OTP आने के बाद हमारा देख सकते हैं यही जो होता है कोड, इसमें इंटर करेंगे तो हम अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे, अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए हम OTP को इंटर कर देंगे। OTP को इंटर करने के बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं इस तरह से आपका जो होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन ऑन, मतलब हमारा ऑन हो चुका है। जो हम इसको ऑन करने के लिए अपने एप्लीकेशन से ऑन कर रहे थे जो फेसबुक के, तो फेसबुक को एप्लीकेशन से ऑन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था, तो ऑन हो चुका है। इसके पर से आप लॉगिन पर जब क्लिक करोगे तो सीधे अपने एप्लीकेशन में आ जाएंगे जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इसमें आने के बाद यहाँ से जब क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपका ये जो कोड एक्सपायरी डेट दे देगा ऑटोमेटिक, इसको कोड को यहाँ से जो आपके नंबर पर मैसेज आएगा इस कोड को आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ से इस कोड को इंटर करेंगे। तो यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इसको कोड को तुरंत इंटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। देख सकते हैं इस तरह से हमारा अकाउंट 100% वर्किंग कर रहा है और हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीधे कहते हैं कि आप यहाँ से कंप्लेन करिए, अपने क्रोम जाने के बाद आप फेसबुक टीम को आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो कंप्लेन करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड उससे कुछ नहीं होता है, जो इस तरीके को मैं 100% हमारा हुआ था, मैं वर्क करके देखा हूँ, जो हमारा इस तरह से अप्लाई किया तो हमारा सही हो चुका। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी आसानी से अपने फेसबुक में यही प्रॉब्लम हो रहा है तो आसानी से सही कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब